आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियरिंग जॉब्स में तो काफ़ी अच्छी जॉब्स निकल के आ रही है, जो फ्रेशर्स हैं वो कम्प्लीट इस वीडियो को देखना, जो अभी लास्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट है वो भी इसको ज़रूर देखना, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ आपको फ्री में ट्रेनिंग मिल रही है। वन ईयर की आपकी जो ट्रेंड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो रहती है वो आपको मिलेगी। कहाँ कौन सी कंपनी ने ये निकाली हुई है उसके बारे में मैं कंप्लीट गाइड करूँगा, कैसे आप अप्लाई करोगे, कहाँ अप्लाई करना है और क्या क्या चीज़ें उनकी रिक्वायरमेंट है, तो कंप्लीट वीडियो देखना। तो उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, प्राइवेट और गवर्नमेंट के जॉब्स अपडेट यहीं पर आपको मिलेंगे। तो जो निकल के आ रही है ट्रेनिंग की वो है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड में, तो एक गवर्नमेंट कंपनी है, एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, तो आपकी ट्रेनिंग मुंबई में होने वाली है। तो इसके ऐसे तो काफ़ी निकली हुई हैं, लेकिन हम सिर्फ बात करेंगे सिविल इंजीनियर्स की, तो सिविल इंजीनियर्स की मैं आपको बताऊंगा कि उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसमें। तो हम चलते हैं सीधा उसी पेज पर, तो ये रहा वो पेज। तो इसमें देख रहे हो आप, ऐसे तो जिनकी केमिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सबके लिए निकली हुई है, लेकिन डिप्लोमा सिविल इन्होंने किया है तो उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। 3 सीट्स हैं और उन्होंने डिप्लोमा मांगा हुआ है आपका कि डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, और 1 साल के ड्यूरेशन रहेगा ट्रेनिंग का, और इस ट्रेनिंग में आपकी स्किल डेवलपमेंट की जाएंगी, आपको नई नई चीज़ें सिखाएंगी, क्योंकि अगर ये ट्रेनिंग आपकी हो जाती है एज ए सिविल इंजीनियर तो आपके जॉब्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, अच्छी सैलरी लग सकती है, ग्रोथ हो सकती है। तो काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग है, जिनको मौका मिलता है तो ज़रूर अप्लाई करना चाहिए अगर मिलेगा। और इसमें एक चीज़ मैं आपको बेनिफिट बताऊं, तो इसमें कोई आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, ना आपका कोई इंटरव्यू होगा, डायरेक्ट मेरिट लिस्ट बनेगी और आपका नाम होगा तो आपको ट्रेनिंग का मौका मिलेगा। तो एक अच्छा मौका है कि बिना एग्ज़ाम और इंटरव्यू के भी आप ग्रो करने का। तो आपकी एज 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और परसेंटेज आपकी फाइनल ईयर जहाँ लास्ट 2 सेमेस्टर की 50 के अबव आनी चाहिए जनरल कैटेगरी वालों को, तो ये चीज़ है। तो एक काफ़ी अच्छी जॉब अगर मैं इसको बोलूं, क्योंकि इसमें ना आपका एग्ज़ाम होगा ना कुछ, और साथ में आपको स्टाइफन भी दिया जा रहा है, मतलब एज ए सैलरी आपको कितना दिया जा रहा है, 8,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से आपको स्टाइफन दिया जाएगा, मतलब साथ में आपको पैसे भी दिए जाएंगे, साथ में आपको सिखाया भी जाएगा, और एक काफ़ी अच्छा मौका है फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स के लिए या स्टूडेंट्स, इसके लिए अप्लाई करना चाहिए क्योंकि इसमें आपकी ज़्यादा ग्रोथ है। को अप्लाई करने के लिए काफ़ी दिक्कत आ सकती है आपको, तो वीडियो देख लो पहले कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आपको इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उधर नहीं अप्लाई करना है, पहले आपको अप्लाई करना है, पहला स्टेप जो आपका रहेगा ये जो आप लिंक देख रहे हो www.apprenticeship.government.in या mhrdnats.government.in, इस पे जाके आपको पहले अपनी अप्लाई करना है। इस पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर बनेगा पहले, फिर आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो स्टेप 2 है www.rcfltd.com, ये आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, जो लिंक मैं दिखा रहा हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सबसे पहले क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, मैं लिंक होगा वहाँ पे उसको क्लिक करोगे तो हम हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे। वहाँ आपको ये जो जिस PDF से मैं पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वहाँ जाओगे तो ये लिंक आपको दिखेगा, इस पर क्लिक करोगे तो आपको इनका वेबसाइट मिल चला जाएगा MHRD वालों का। वहाँ आपको अपनी बेसिक क्वालिफिकेशन, बेसिक डिटेल फिलअप करनी है, फिर उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर बनेगा, फिर आपको वापस वेबसाइट पे आना है, तो यहाँ अप्लाई नो ये सामने जो देख रहे हो ब्लैक कलर का अप्लाई पे, इस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप वहीं पहुँच जाओगे जहाँ आपको अप्लाई करना है। ये मैं प्रोसेस बता दे रहा हूँ, जिसको नहीं पता चलेगा मैं ज़रूर वीडियो ले आऊँगा, आप कमेंट करना कि सर नहीं पता चला, मैं वीडियो ले आऊँगा। फिर आपको क्लिक ऑन थर्ड स्टेप पे, थर्ड स्टेप क्या है, उधर आपको रिक्रूटमेंट दिखेगा, उस पर क्लिक करना, मैं आगे दिखा भी देता हूँ कैसे करोगे। फोर्थ में आपको अपनी जो एडवर्टाइजमेंट होगी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्लिक करके आगे बढ़ जाना है, एक्सेप्ट करके अप्लाई ऑनलाइन कर देना है, फिर आपको अपने फोटो 75 KB या 25 KB से बीच में आपको अपलोड करना है, सेव बटन कर देना है, ये सब मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको प्रिंट निकाल देना है। तो लास्ट डेट आपकी है 22 तारीख को 5 बजे तक आप इसको कर सकते हो। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। पहले आपको MHRD जो इनकी साइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर जाके अपने रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद यहाँ आके आपको ये देखो सिलेक्ट वन यहाँ किया, जो भी जिस पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं वो हमें क्लिक कर देनी है। हम कर रहे हैं डिप्लोमा सिविल के लिए, तो ये हमने क्लिक की, एंटर कर दिया, तो हम इसकी वेबसाइट पे पहुँच चुके हैं। ईमेल डालना है, पोजीशन किसके लिए अपने आप आ गया है, फिर अपना पर्सनल डिटेल डालनी है यहाँ पे, फिर अपना एड्रेस यहाँ पे डाल देना है आपको, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको, हैव यू अंडरगो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग बिफोर, नो डालना है इसमें, आप पहले नहीं की है ये कभी नहीं करना, और फिर हैव यू कम्प्लीटेड 3 ईयर डिप्लोमा आफ्टर डिप्लोमा कम्प्लीशन, यस इसमें आपको डाल देना है यस।
तो इसमें आपको आई हैव ये क्लिक करके फिर आपको कर देना है सबमिट, तो आपकी एप्लीकेशन के बाद सबमिट हो जाएगी। तो ये आपको अगर नहीं पता चलता है कैसे आपको अप्लाई करना है, MHRD पे कैसे अप्लाई करेंगे, फिर इस पे कैसे अप्लाई करेंगे, तो ज़रूर कमेंट करना, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो बाकी अगर पता चल जाता है तो जल्दी से जल्दी अप्लाई इसमें कर दो। थैंक यू गाइस।